तो सबसे पहले मेरे सभी दोस्तों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज के पॉडकास्ट में मैं आपसे बात करूंगा दोस्त होने की इम्पोर्टेंस। दोस्ती कितना महत्व रखती है जिंदगी में, और मेरे आज के पॉडकास्ट का टाइटल है स्टूडेंट्स नहीं दोस्त बनो। देखिए, जब आप एज ए स्टूडेंट काम करते हैं तो आपके साथ बहुत सारी घटनाएँ, दुर्घटनाएँ, क्वेश्चंस, डाउट्स, परेशानियाँ चलती रहती हैं। ये परेशानियाँ एकेडमिक भी होती हैं, ये परेशानियाँ पर्सनल भी होती हैं। इन एकेडमिक और पर्सनल परेशानियों को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि जितने भी रिश्ते आपके हैं, चाहे वो टीचर से हैं, चाहे अपने पेरेंट्स से हैं, अपने दोस्तों से, अपने ब्रदर सिस्टर से हैं, इन सब में उस रिश्ते को दोस्ती में बदल दीजिए। दोस्ती एक मैजिकल रिलेशनशिप है। मैं आपको एक एक रिश्ते में दोस्ती का महत्व बताता हूँ। मेरा 30 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को IIT मेडिकल की प्रिपरेशन कराई है, और मैंने देखा कि जब भी ये रिलेशनशिप दोस्ती में रही है तब तक स्टूडेंट्स को और एज ए टीचर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जब मैंने पढ़ाना शुरू करा तो मुझे तो ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं थे। मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो मेरे दोस्त थे, वो मुझसे क्वेश्चन पूछते, जो क्वेश्चन मुझसे बन जाते मैं उनके डाउट सोल्व कर देता, और जो नहीं बनते दोस्तों की तरह बैठकर सोल्व कर लेते। आप सरप्राइज करेंगे, मेरे स्टूडेंट जो हैं आज मेरे पास जो आते हैं वो बिल्कुल दोस्तों की तरह बात करते हैं, बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप ही वैसी है। अगर आप सोचो यार, अगर आप जब टीचर से डाउट पूछ रहे हो तो उससे झिझक किस बात की? हम झिझकते हैं क्योंकि रिलेशनशिप टीचर का है। दोस्त से कभी झिझकते हो? दोस्त से कभी शर्म करते हो? जब आप दोस्त से शर्म नहीं करते तो टीचर को भी दोस्त मान लो। दोस्त क्या करता है? आपने बकवास क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको बेइज्जत कर देता है। टीचर क्या कर सकता है? एज ए दोस्त आपको डांट देगा, आपको थोड़ा सा बेइज्जत कर लेगा। और जब कोई दोस्त बेइज्जत करता है तो हम हंसकर टाल ही देते हैं, तो जब टीचर करे तो भी हंस के डाल लो। क्योंकि अगर दोस्ती रहेगी तो आप अपनी डाउट्स को काफ़ी अच्छी तरीके से अपने टीचर को बता पाएंगे, और अगर वो दोस्ती अच्छी है तो टीचर भी आपकी दिल की बात को समझकर आपके डाउट्स को सोल्व कर पाएंगे। आप JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत तरह की पर्सनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं जो बता नहीं सकते टीचर को, भाई को, पेरेंट्स को, बता दो। भाई को बोल दो कि भाई ये प्रॉब्लम है, दोस्त देखो उसमें। अगर दोस्त को नहीं बताते क्या? आज मान लीजिए जिंदगी में कोई घटना दुर्घटना होती है तो दोस्त को जाके सबसे पहले बताते हैं ना कि यार बॉस ये हो गया, क्या करें। दोस्त गले में हाथ डालता है और आपको उन परेशानियों से बाहर निकलने के रास्ते बताता है। भाई को बता के देखो, एक बार बोल के तो देखो, भाई में दोस्त ढूंढो। मेरी गारंटी है कि आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। मेरे बड़े भाई साहब हैं, भाई साहब बोल रहा हूँ आपसे, बिल्कुल दोस्त की तरह हैं। जितनी भी परेशानियाँ मुझे आती हैं मैं रोज़ाना सुबह चाय के टाइम पर उनको बताता हूँ और उन्हीं को दे देता हूँ। दोस्त को दे देता ना कि भैया तू संभाल यार, मेरे का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो संभालता है। वैसे काम करिए अपने ब्रदर के साथ। आप NEET JEE की तैयारी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है, प्रेशर आ रहा है, माँ बाप की चिंता है कि यार उनका नाम रोशन करना है, बोल नहीं पा रहे, बोल के देखो एक बार पेरेंट्स से कि नहीं बन पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। डरो मत, दोस्त को नहीं बोलते कि यार बॉस मुझसे बन नहीं रहा यार, मेरा तो होगा नहीं सिलेक्शन, एक बार पेरेंट्स को भी बोल दो, देखो किस लेवल का सपोर्ट मिलता है। प्यार के अलावा जो सपोर्ट मिलेगा दुनिया में, उससे बड़ा सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो जब हम रिश्ते निभाते हैं तो रिश्ते में एक रेस्पेक्ट होती है और एक कम्युनिकेशन होता है। इज्जत सबकी करनी है परंतु व्यवहार दोस्त का करना है। करके देखिए, मेरा पूरा विश्वास है कि अगर हर रिश्ते में दोस्ती ढूंढेंगे तो ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी, और जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में वो ज़रूर मिलेगा। मेरी तरफ से और पूरे कैरियर पॉइंट की तरफ से एक बार फिर से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट नहीं दोस्त बनना है।